विमानतल परिसर रहिवासी एकता संघ ने जीवीके एमआईएल कार्यालय के बाहर आमरण उपोषण पर बैठे हैं। उनका कहना है, अगर हमारे बस्ती का पूर्ववास नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम सुंदर पाड़मुख है और मैं विमानतल परिसर रहिवासी एकता संघ के तरफ से हमने ये आंदोलन लिया है। हम लोग इसलिए आंदोलन में बैठे हैं, आमरण अनशन में हम लोग इसलिए बैठे हैं। मुख्यमंत्री गए खासदार इलेक्शन के टाइम में पूनम महाजन जी के प्रचार के लिए संदेश नगर, क्रांति नगर ये एरिया में उन्होंने 6 लोगों को प्लास्टिक का चाबी बांटा था और उसके बाद एक औरत भी उसमें मर गई, लेकिन किसी को भी अभी तक घर नहीं मिला। लोगों के घर गिरने आए, 12 साल से पुनर्वसन होगा, अब पुनर्वसन होगा, अगले 6 महीने में पुनर्वसन होगा और अगले 8 महीने में पुनर्वसन होगा, ऐसा बोलने की वजह से लोग ना घर बना पा रहे, ना लोग ना घर का मरम्मत कर पा रहे और घर पूरे गिरने को आ रहे। आप अगर सही मायने में देखो कितने घर ऐसे कभी भी गिर सकते हैं और जीवित और वित्त हानि हो सकती है, और इसकी सारी जवाबदारी ये जीवीके कंपनी की, SRA की और ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य की रहेगी। तो ये जो आपको पता होगा कि 1 घंटा अगर बारिश गिरेगी तो घर में लोग जान मुट्ठी में लेके जी रहे, कब घर में पानी घुसेगा, कब घर के ऊपर पानी आ जाएगा और कब क्या हालत हो जाएगी, इसके लिए लोग इतने परेशान हैं। और इन्होंने जो प्लास्टिक की चाबी दिया, अभी तक असली वाला चाबी इन्होंने दिया नहीं है। इन्होंने पब्लिक को झूठ बोल के वोट लिया है और ये खासदार के टाइम में झूठ बोल के वोट लिया, प्लास्टिक का चाबी दे के वोट लिया, अभी उसको और ये लोग आमदार के टाइम में भी झूठ बोल के वोट लेने वाले। हम ये कहते हैं कि 15,000 फ्लैट विद्याविहार में रेडी है, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वो टूटे हुए फ्लैट की मरम्मत कर रहे हैं, दरवाजे रिपेयरिंग कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक दरवाजा खिड़की रिपेयरिंग करने के लिए कितने साल लगते हैं। 12 साल से ये जीवीके कंपनी ने वहाँ पे 15,000 फ्लैट बना के रखे हैं। जरीमरी, संदेश नगर, क्रांति नगर, सेवक नगर, इंदिरा नगर, ये कुर्ला के जो 12,000 झोपड़े हैं वहाँ पे 15,000 फ्लैट है। तो हमारा ये कहना है कि उनको आप क्यों नहीं दे रहे। जीवीके कंपनी को विमानतल विस्तारीकरण, सुशोभीकरण और झोपड़पट्टी पुनर्वसन करने के लिए यहाँ पे लाया गया। झोपड़पट्टी पुनर्वसन करने का सारा खर्चा जीवीके कंपनी उठा रही है, तो फिर क्यों नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जीवीके कंपनी को पुनर्वसन करने के लिए अलाउ कर रही है? क्यों वो फ्लैट ऐसे 8-10 साल से क्यों खाली पड़े हैं? इसका जवाब है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। क्यों ये लोगों को जान से खेल रहे, क्यों लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे, ये सारा जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में अगर ये लोगों ने हमको ये आंदोलन इसलिए लिया है कि जब तक ये मुख्यमंत्री हमारे पुनर्वसन का निर्णय, पात्र अपात्र और अनिर्णित जितने भी लोग हैं संदेश नगर, क्रांति नगर और जरीमरी विभाग के, कुर्ला विभाग के, सबको बिन शर्त पुनर्वसन करना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, अच्छा लाइफ उनका बनाना चाहिए। नहीं तो ये लोग अभी लोग जागरूक हो चुके हैं, आपको मतलब आने वाले इलेक्शन में ये लोग वोट किसको देने का ये मामला नहीं है। हम लोग अभी वोट का धंधा ही बंद करने वाले हैं, कोई भी वोट करने जाएगा नहीं, यही इतना ही ये माध्यम से मुझे बताना है। मेरा नाम हजरत पठान है। कि हमारा सर्वे होके ने 10-12 साल हो गया, अभी तक पुनर्वसन हुआ नहीं। पात्र अपात्र 6 महीने को साल में आते, नोटिस लगाते, चले जाते, हमको रूम भी रिपेयरिंग करने को नहीं देते। जीविक वाले आते, MMRDA के आदमी आते, नोटिस लगे के घर पे नोटिस लगाते और हर टाइम 6 महीने का 4 महीने का टाइम देते और पुनर्वसन तो कुछ होता नहीं है। इसके लिए हम सोचते हैं कि अगर कुछ जीवित हानि हो जाएगी या कुछ भला बुरा हो जाएगा जनता का या वो जो झोपड़पट्टी वाला चलेगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री, ये सारे MMRDA, कलेक्टर और जीवीकी, मेन तो इसमें जीवीकी का मेन रोल रहेगा, इनकी जिम्मेदारी रहेगी। आने वाले टाइम में हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे कि इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। राजेश प्रकाश धोत्रे। मंगलवार के दिन जब पानी भरा हम लोग के एरिया में, रात में वो भी ना कोई किसी का कोई देखने तक नहीं, पुलिस तक देखने को नहीं आया अंदर कि लोग मर रहे क्या जी रहे, कोई भी नहीं आया। मेरा नाम निर्मला भारद्वाज है। हम आंदोलन करने के लिए बैठे जो हैं, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। हर साल पानी भरता है हमारे यहाँ, हम क्रांति नगर के रहने वाले हैं, हर साल वहाँ पे पानी भरता है, लेकिन कोई न देखने वाला न कोई सुनने वाला। सीने तक पानी, गले तक पानी आता है। गर्भवती महिलाओं को लड़के लोग खांदे पे लेके जाते, बाहर निकालते हैं, कहीं बोट चला के निकाल के बाहर ले जाते हैं,
कोई न सुनने वाला है न देखने वाला। आखिर में हम कब तक इसे डूबते मरेंगे? हमारे कितने लोग यहाँ पे मर गए, न किसी का पुनर्वसन हो पाया है न हो पाएगा ऐसा लग रहा है। हम लोग मजबूरी बस अब एकदम परेशान होकर यहाँ पे आके बैठे हैं, आर पार की लड़ाई लड़कर ही अब जाएंगे। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।